हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी कार की फोर्थ पेड सर्विस कराने आया हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैं फिक्स कराने आया हूँ। एक्चुअली सिल्वर ईएमसी मैंने लास्ट टाइम ले लिया था थर्ड सर्विस में, जब मैंने ऑयल चेंज कराया था। 15,000 किलोमीटर चल चुकी है, 1.5 साल हो चुके हैं मेरे कार को। तो ओहो, इसमें कुछ समझ नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक्चुअली जो ब्लोअर की स्पीड थी वो काफ़ी कम आ रही है, तो शायद एसी फिल्टर साफ़ करेंगे तो चौक हो गया होगा एसी फिल्टर, तो उसको साफ़ करेंगे। एंड एसी कूलिंग थोड़ी कम है, जैसे पहले थी इसकी बहुत अच्छी थी, अभी बहुत बेकार हो गई है, तो उसको फिक्स करेंगे। एंड मैंने स्पार्क प्लग के लिए भी बोल दिया है, बिकॉज माइलेज बहुत कम दे रही है मेरी गाड़ी। एन ए पेट्रोल है ये, 14-15-16 ज़्यादा माइलेज मिल ही नहीं रहा अच्छे से ड्राइव करने के बाद भी, क्रूज़ में भी चलाने के बाद भी 16-17 मैक्सिमम देती है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। एक बार मैं आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बता दूंगा कितना हुआ है। एक्चुअली सिल्वर ईएमसी है तो बाकी सब फ्री रहेगा, जनरल चेकअप एंड वॉशिंग। बट अगर कुछ चेंज होता है, जैसे स्पार्क प्लग मैंने चेक करने बोला, अगर वो चेंज होता है तो ऑफ कोर्स उसका चार्ज लगेगा, बस स्पार्क प्लग का चार्ज लगेगा। एंड अगर एयर फिल्टर चेंज होता है तो, बाकी 5,000 किलोमीटर ही चली है तो एयर फिल्टर तो नहीं होगा चेंज, अगर ज़्यादा ख़राब हो गया होगा तो कर देंगे उसको भी चेंज। तो मैं आपको बताता हूँ वीडियो के एंड पे क्या है। अभी तो फिलहाल यहाँ रेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 4-5 घंटा लगने वाला है। इसके बाद मैं आप सभी को बताता हूँ कि कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट आया, एंड उसके एक दिन बाद 2 दिन बाद मैं चला के बताऊँगा क्या प्रॉब्लम फिक्स हुई कि नहीं हुई। सो गाइस, अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक हफ्ते बाद मैं शूट कर रहा हूँ फोर्थ सर्विस के। तो जब स्पार्क प्लग चेंज कराए मुझे एक हफ्ता हो चुका है, एंड जो एसी की प्रॉब्लम थी वो भी मैंने दिया था फिक्स करने के लिए। एसी फिल्टर वगैरह चोक हो गया था तो वो उन्होंने साफ वगैरह कर दिया है, तो एसी की कूलिंग बहुत सही हो गई, वापस कूलिंग कम हो गई थी। एंड जो ब्लोअर की स्पीड थी वो भी काफी कम हो गई थी, जैसे इसकी पहले थी वैसी नहीं थी, बहुत पुअर हो गई थी, तो उन्होंने वो चीज कर दिया। एक्चुअली फोर्थ सर्विस थी मेरी जो कि 15,000 किलोमीटर मैंने कराई, एंड 1.5 साल में कराई फोर्थ सर्विस। तो एक्चुअली अभी मैं सिटी ड्राइव करके अभी जस्ट हाईवे पे आया वीडियो बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये कितने का माइलेज दे रहा था सिटी में मेरे को। 28 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है, 33 मिनट में 16 किलोमीटर घुमा हूँ, एंड माइलेज आप देख सकते हैं 20। सुबह का टाइम है, रात भर कार मतलब धूप में नहीं थी। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आप धूप में कार खड़ी रखते हैं अपनी एंड उसके बाद फिर ड्राइव करते हैं तो एक्चुअली माइलेज कम हो जाता है आपका, होता है इसका भी इफेक्ट होता है धूप का भी। तो अगर पूरी कोल्ड खड़ी आपकी कार रात भर एंड सुबह आप चलाएंगे तो आपको बेटर माइलेज मिलेगा, आप कभी नोटिस करिएगा ये चीज़। तो अभी मुझे काफ़ी अच्छा माइलेज मिल रहा है, माइलेज की प्रॉब्लम थी स्पार्क प्लग से वो भी फिक्स हो गई। एंड इसमें जो एक और प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैं तो सोचा ही था कि माइलेज तो बहुत कम मिल रहा है, मतलब अच्छा ड्राइव करता तो भी माइलेज कम मिलता था, तो स्पार्क प्लग चेंज कराना ही था तो करा लिया हूँ। 421 रुपए का एक ठोक स्पार्क प्लग पड़ा है, तीन स्पार्क प्लग लगते हैं इसमें, थ्री सिलेंडर इंजन है, तो 1600 से 1700 के बीच में खर्चा आया है, ठीक है। तो आप भी चेंज करा सकते हैं टाटा मोटर्स में जाके। एंड बाकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 2-3 दिन स्टार्टिंग के बहुत बेकार थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था इस कार का परफॉर्मेंस। बताता हूँ क्यों, क्योंकि जैसी मेरी कार थर्ड सर्विस के बाद इम्प्रूव हुई थी ऑटोमेटिकली, AL04 तो मैं फर्स्ट सर्विस में ही करा लिया था, थर्ड सर्विस के बाद बोलते हैं जब ऑयल चेंज होता है तो परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है, माइलेज भी, तो माइलेज तो नहीं हुआ था इम्प्रूव, माइलेज कम दे रही थी मेरी कार थर्ड सर्विस के बाद भी। तो जो परफॉर्मेंस थी वो काफी अच्छी हो गई थी कार की, मतलब पिकअप वगैरह थोड़ा इंक्रीज हो गया था थर्ड सर्विस के बाद, बट जर्क वगैरह था गियर चेंजिंग में, जैसे कि सेकेंड से थर्ड में जाओ तो गाड़ी जर्क मारती थी एकदम, 2000 आरपीएम में चेंज करो तो भी जर्क मारती थी, 1800 में करो तो भी चेंज मतलब जर्क मारती थी, एंड सिटी में चलते रहो फर्स्ट गियर में एक्सीलेटर छोड़ो तो भी जर्क मारती थी। वो सब जर्क अब खत्म हो चुके हैं स्पार्क प्लग चेंज कराने के बाद, बट ये जो चेंज है ये मैंने नोटिस किया है 2-3 दिन के बाद। 2 दिन स्टार्टिंग के तो और खराब चल रही थी कार, मतलब और जर्क थे तो मजा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी चलाने का कार को। एक्चुअली पिकअप पहले जैसे हो गया, बढ़िया अच्छा हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा इम्प्रूव हो गया है थर्ड सर्विस के बाद, अच्छा हो गया था पिकअप, एंड वैसी है पिकअप अच्छा ही है पहले से, तो बहुत अच्छा है, जब नई नई कार आप खरीदते हैं उससे तो बहुत अच्छा है। बट जो जर्क था मेन कंसर्न था मेरा, जर्क सिटी में जो जर्क था फर्स्ट गियर में एक्सीलेटर छोड़ने का एंड जो गियर वाला था, वो सब जर्क कम हो गया है। अब पिकअप भी देख लीजिए आप कितने आरपीएम में चल रहा हूँ,
एसी भी ऑन है ना, देखिए आप स्पीड कैसे बढ़ रही है। क्या तो राइड क्वालिटी है भाई, क्या हैंडलिंग है इस कार की, स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है इस कार की, नो डाउट। कैसे पुश हो रही कार, ऐसे उठती कार अपनी एसी में भी। देखिए एसी ऑन है एंड 24 डिग्री में वन नंबर फैन पे एसी भी ऑन है। तो कार का पिकअप जो है काफी अच्छा हो गया है पहले से। स्टार्टिंग जब मैंने खरीदी थी L04 अपडेट कराया था उसके बाद थोड़ा इम्प्रूव हुआ था, जर्क वगैरह कम हुआ था, बट थर्ड सर्विस के बाद पिकअप काफी अच्छा हो गया है। बट जर्क थे, जर्क अब खत्म हो गए हैं इस बार प्लग चेंज कराने के बाद, एंड पिकअप तो अच्छा ही है कार का, नो डाउट। थर्ड सर्विस के बाद पिकअप जरूर इंक्रीज होता है। तो ये था मेरा फोर्थ सर्विस का एक्सपीरियंस। सर्विस काफी अच्छे से करके दिया। एक्चुअली मैंने कार छोड़ दी थी, दोपहर में जाके छोड़ी थी, तो उन्होंने मुझे शाम को कार दे दी, मैं जाके ले लिया था। तो 1600 से 1700 के बीच में खर्चा है, 3 स्पार्क प्लग चेंज हुए है ना। बाकी सिल्वर AMC खरीद के रखा था मैं, तो वॉशिंग जनरल चेकअप ये सब फ्री था। सो गाइस यही एंड करते हैं इस वीडियो को, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर मेरे चैनल पे आप नए तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद प्लीज प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।